तो दोस्तों स्वागत है आप सबका काइट बाजी में। और मैं फिर से आ चुका हूँ मनीष भैया के शॉप पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मनीष भैया जो है यहाँ पे काफ़ी देखिए माल पैक हो रहा है। और ये देखिए उनके बेटे हैं कुशाग, लखनऊ के लिए। ये देखिए लखनऊ माल जा रहा है और वो देखिए एक पेटी वो है और ये दूसरी पेटी जो है मनीष भैया पैक कर रहे हैं। और ये हमारे सन्ने भैया हैं ये, और ये देखिए हमारे सन्ने भैया काफ़ी नामी कारीगर हैं हमारे प्रयागराज के। और ये देखिए, ये देखिए सन्ने भैया आए, खुद भी आए हैं। और ये देखिए अपनी चरखी दिखा रहे हैं जो अभी लेटेस्ट स्टॉक आया है। ये देखिए, वाह, ये देखिए, ये देखिए सन्ने भैया की सद्दी। सन्ने भैया कौन सा नंबर है ये? 9 नंबर। ये देखिए 9 नंबर में आई है। और ये देखिए, अब तक आपने सन्ने भैया की सद्दी देखी होगी, उड़ाई होगी। और सन्ने भैया हमारे साथ भी हैं। और ये देखिए काफ़ी प्यारा कलर लगाया है। ये दो कोन है इसमें? जी सर। ये देखिए दो कोन की है। और ये सारी सद्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी मनीष भैया के शॉप पे। और ये देखिए अभी देखिए कितना स्टॉक आया है और काफ़ी सारा स्टॉक अभी अंदर लगा है। ये अभी जस्ट समझ लीजिए फ्रेश अराइवल इसे आप कह सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी कलर है इसमें मिल जाएंगे, मल्टी भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए एक मल्टी भैया, ये देखिए। और टेम्पर तो आप जानते हैं सन्ने भैया की सद्दी में कैसा होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। सन्ने भैया जी, ये 9 नंबर जैसे आपने बताया जी, तो ये दूर पे लड़ाई ये सद्दी को यूज़ करिए पास में, ये बताइए। देखिए ये सद्दी थोड़ा मोटी होती है, ये पास की होती है, ज़्यादा दूर की नहीं। खींच खाँच के लिए जी। अच्छा, दूर के लिए चाहिए 6 नंबर ऑलरेडी जो 90% लोग उड़ाते हैं। हाँ 90%। और जो 3 नंबर होती है हमारी वो और दूर के लिए, वो और दूर के लिए तो 2 नंबर मतलब हम लोग 2 नंबर मतलब अगर 1000-1500 गज लड़ा रहे हैं तो 2 नंबर लड़ाएँ। अच्छा हाँ, वो दरअसल काली लेंथ ज्यादा रहती है तो कारीगर थोड़ा सा अच्छा ऐतराज करता है, लेकिन ये सन्ने भैया हमारे जो है किस्तान करके बना देते हैं, किस्तान करके बना लेते हैं। और ये मांझा ये मैं देख रहा हूँ, इसमें A1 करके कोई नया स्टॉक मुझे दिख रहा है। ये देखिए, ये इसका डोर बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये देखिए एक और मांझा आ चुका है नया हमारे हाथों में। ये है बबलू हैदर अली जी का। ये देखिए A1, ये देखिए A1 नंबर है और कलर बड़ा शानदार लगा है उन्होंने, स्मूथ डोर बनाई है मनीष भैया उन्होंने, बहुत अच्छी डोर। हाँ देखिए लाइट कलर है, गर्मी काफ़ी चल रही है इस समय, 43-44 टेम्परेचर चल रहा है जैसा कि हमारे प्रयागराज में। और मौसम को देखते हुए कलर बनाया गया है और डोर काफ़ी स्मूथ है, फंसा के लड़ाने के लिए तो एक नंबर होगी ही डोर। और अभी तक इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, फीडबैक इसका है? बाहरी जा रही है, बाहरी जा रही है, यहाँ टिक नहीं पा रही है, समझ लिए डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोकल सप्लाई हो ही नहीं पा रही है। और ये क्या रेट पड़ेगा वैसे? ये 2000। और वाह, बहुत शानदार डोर बनाई है 2000 में इन्होंने। तो जो लोग फंसा के लड़ाने के शौकीन हैं एक बार इस, ये देखिए, ये समझ लीजिए कि बहुत प्रीमियम रेंज नहीं है, लेकिन जिस हिसाब का मांझा मैं टच करके फील कर पा रहा हूँ, 2000 बहुत प्यारा मांझा बनाया। और गर्मी का कलर भी देखिए बहुत बनाया इन्होंने, देखिए फैंसी कलर है ये। और कोई नया? ये भी नया है, ये भाई का नंबर, ये हसीन भाई का है, अजीम का। अच्छा अच्छा, ये देख, अच्छा देखिए अजीम इम्तियाज़ का देखिए एक नया ब्लॉग है स्काई ब्लास्ट नंबर 1, उसको भी खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि अजीम इम्तियाज़ खुद में एक ऐसा नाम है जो सिर्फ आदमी आता है और नाम लेता है और उसे उठा के चला जाता है। हाँ थोड़ा प्रीमियम। अच्छा अजीम इम्तियाज़ जी देखिए प्रीमियम रेंज में भी आ गए हैं। और ये देखिए, अरे वाह, ये ब्राउन पे है, ये ब्राउन कलर पे है, ये देखिए, वाह, ये देखिए। और ये थोड़ा सा बारीक बनाया है इन्होंने, ये देखिए बारीक पे बनाया है अजीम इम्तियाज़ जी का। ये क्या रेंज होने वाला है? 2000 का ये मांझा पड़ेगा आपको वैसे ये अभी भैया। और हाँ, क्योंकि अभी ये नया जो है ब्लॉग इनका लॉन्च हुआ है और अजीम इम्तियाज़ का भी टॉप ब्लॉग आप इसे कह सकते हैं। अब तक आप उनका मांझा 1700-1750 में लड़ा रहे थे, पर 250 रुपये अगर आप और खर्च करते हैं तो आपको देखिए एक महीन गोल धार पे प्यारा मांझा मिलने वाला है सिर्फ 2000 रुपये में। तो बड़ा प्यारा मांझा उन्होंने वाकई निकाला है। ये देखिए, ये भी नया है, वसीम रजा नंबर 1। ये देखिए वसीम रजा नंबर 1,
आसमान का बादशाह, ये देखिए इसको भी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सारे नए ब्लॉग हैं दोस्तों। ये देखिए वसीम रज़ा का मांजा है और कलर बड़ा ही फैंसी कलर आजकल जैसे नहीं तो इंग्लिश कलर जो बोलते हैं। ये देखिए मौसम को देखते हुए कलर भैया जो है लगवा रहे हैं और मांजा जो है धार जो है इस पर जो है काफ़ी चढ़ी धार लगाई गई है। देखिए धार जो है काफ़ी चढ़ी धार लगाई गई है, मार खा मतलब खींच का प्लेयर जो है उसको ये काफ़ी पसंद आने वाली, जैसे कि मुझे ये मांजा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम खींच के लड़ाने वाले हैं, फंसा के लड़ाने वाला हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये मांजा अगर हम मांजा लेने आते तो उसको हम बहुत जल्दी पिक करते हैं। अगर हम बहुत प्यारा मांजा हुआ के चरखी भी अच्छी लगा रखी है, देखिए फैंसी चक्की ताजमहल बना हुआ है। कलर और मांझे की धार एक्सट्रीम। ये क्या पड़ने वाला है कुशागर भाई? ये भैया 2400 2400 का। तो दोस्तों ये मांझा आपको पड़ेगा मात्र 2400 का, बहुत ही प्यारा मांझा है और जैसा दाम है वैसा इसका काम है। ये मांझा बोल रहा हूँ हाँ मैं 2400 का हूँ, बहुत प्यारा वसीम रजा जी। ये देखिए दोस्तों एक और आ गया मांझा मेरे हाथ में, बरेली सुपर पावर। और ये मांझा लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, काफ़ी अच्छा लड़ता है वहाँ पर और अब अपने प्रयागराज में भी उपलब्ध है मनीष भैया के पास। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में जो भी मांझा लड़ता है वो मांझा इजीली अवेलेबल हो जाता है मनीष भैया के पास, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बस आपको कारीगर का नाम लेना है और मांझा आपके पास। और ये देखिए ये ब्लैक कलर है, इसमें भी धार काफ़ी अच्छी लगाई गई है, इसमें भी खूब चढ़ी धार लगाई गई है और लटाई भी काफ़ी फैंसी है। बरेली सुपर पावर, ये क्या पड़ने वाला भाई रेट? इस मांझे में चिकनाहट भी दिख रही है और धार भी है, मतलब जैसे प्रीमियम मांझों में होती है पूरा पैटर्न उसी तरीके से बनाया गया है। और लखनऊ के प्लेयर और लखनऊ के लोग अगर इसे लड़ा रहे हैं तो कुछ ख़ास बात होगी, मैं आपको पहले बता दूँ। वो कोई भी मांझा बिना टेस्ट के उड़ाते नहीं है। ये पड़ेगा भैया 2200 का। 2200 का दोस्तों ये मांझा पड़ेगा आपको, 2200 का बरेली सुपर पावर। दोस्तों देखिए और आगे हम मांझे देखिए दानिश गोल्ड नंबर 1 और ये भी ब्लैक कलर में है और स्मूथ है, फंसा के लड़ाने के लिए मांझा काफ़ी अच्छा है और थोड़ी सी मोटी डोर बनाई है। गोल धार पे बनाई गई काफ़ी अच्छी डोर है ये। और ये क्या रेट पड़ने वाला है दानिश गोल्ड? दोस्तों ये मांझा काफ़ी गोल्ड डोर पे बनाया गया है, चिकनापन भी आपको दिखेगा और अच्छी धार भी है इसके ऊपर। और ये मांझा क्या रेट पड़ने वाले कुछ अगर भैया? 2200। ये भी 2200 का। तो दोस्तों आज 2200 के सेगमेंट में काफ़ी मांझे मैं आपको दिखा रहा हूँ और सारे फंसा के खींच के लड़ाने वाले सब रेंज वाले मांझे हैं। और ये देखिए भैया सब टॉप प्रीमियम। हाँ ये देखिए सबसे प्रीमियम आ गया यूनुस इकबाल जी का। ये यूनुस इकबाल जी का 0307। ये देखिए यूनुस इकबाल जी का 0307 मिलता नहीं है। अच्छा इसकी डुप्लीकेसी काफ़ी होती है। अरे वाह मिलता ही नहीं भैया। ये देखिए पहले तो मैं इसका रैपर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है ओरिजिनल की पहचान। ओरिजिनल लेना हो सीधे मनीष भैया से कांटेक्ट करिए क्योंकि इसकी डुप्लीकेसी काफ़ी होती है। और ये देखिए कलर, ये देखिए कलर देखिए, सबसे पहले सब कलर देखिए, बहुत कलर बड़े प्यारे बनाए उन्होंने। ओहो वाह बहुत प्यारा मांझा वाकई में। जैसे कि जिसने यूनुस इकबाल जी का अच्छा वैसे मांझा लड़ाया है वही इसको परख भी सकता है। हालांकि जो डुप्लीकेट लड़ा लड़ा के अब तक आ रहा है वो ये मांझा पकड़ेगा तो उसको काफ़ी फर्क समझ में आने वाला है। बहुत बारीक तरीके मतलब वाह, मतलब अगर आप पतंग फंसा के लड़ाने वाले प्लेयर हैं तो ये मांझा जल्दी घाव नहीं खाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ वाकई में। ये क्या रेट पड़ है भैया? है 3000 के ऊपर ही। अच्छा ऐसे क्या पड़, जैसे कोई आता है तो उसको अगर चाहिए तो क्या मिल जाएगा? ये
भैया भाई 3200-3300 के आसपास, 3200-3300 के आसपास, हाँ बाकी 3200 के लगभग ही आपको मांझा पड़ेगा। लेकिन बहुत प्यारा मांझा, बहुत प्यारा मांझा बने, काफ़ी मेहनत की गई है इस मांझे पे। हर चीज़ की कीमत होती है, लेकिन इंसान ने इस पे काफ़ी मेहनत की गई है वाकई में। और इसकी काफ़ी, जैसे मैंने बताया कि डुप्लीकेट ही होती है, तो अगर आप 3200-2800 में अगर कोई मांझा आपको दे रहा है तो आप बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी है ही नहीं, इसकी वैल्यू 3000 से ऊपर की है। तो अगर आपको ये ओरिजिनल चाहिए, यूनिस इकबाल आप लड़ाते हैं, तो एक बार मनीष भैया से कॉन्टैक्ट करिएगा, ये आपको 3200 के रेंज में पड़ जाएगा। दोस्तों दानिश गोल्ड ये आपको देखिए बीकानेरी चरखी पे भी मिल जाएगा, जिसकी कीमत मैंने आपको बताई थी 2200 रुपये। तो अगर आप बीकानेरी चरखी पसंद करते हैं तो आप इसमें भी ले सकते हैं मात्र 2200 रुपये में। और कलर देखिए कितने शानदार बना है, इस बार गर्मी में कलरों का धमाका कर दिया मनीष भाई ने। और वीडियो के दौरान देखिए हमारे देव भाई भी आ चुके हैं, अहो भाग्य हमारे कि देखिए देव भाई पधारे भाई। इतनी गर्मी में देखिए जो है दौड़े चले आ रहे हैं। और अच्छा आपका मांझा, मनीष भैया से हमने क्या कि बनवाया था दो स्पेशल मांझा, अच्छा, तो वो आज आ गया है। मनीष भैया ने फोटो भिजवा दी थी, अच्छा, तुम्हारे दो पर्पल चरखे आ गए, हमने कहा चले ले लें। अच्छा तो आप मतलब आपकी अमानत यहाँ लेने आए हैं कुल मिला के? अरे जो भी मांझा चाहिए हो तो मांझा केवल मनीष भाई से ही लेते, मनीष भाई से लेते। और जैसे किसी कारीगर से डायरेक्ट भी अगर बात होती है तो उनका भी मनीष भैया के थ्रू माल ही आता है, तो कह देते हैं भैया भेज दो भाड़ा बच जाएगा, भाड़ा बचा लेते हैं। नहीं सही है, मांझा मांझा दोनों बना हुआ है और एक नंबर के लिए बन के। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट बनवाई गई थी क्या आपके? असल में 2-3 बार मांझा लिया मैंने, वो मज़ा नहीं आया। तो फिर अच्छा। मैंने मनीष भैया को बोला कि भाई मांझा मज़ा नहीं आ रहा कुछ अच्छा करवाओ, तो जब बोला गया तो निसार भाई ने फिर बनाया एकदम शानदार मांझा। देख रहे हैं कांटे आप देखिए, हाँ वही देख रहे हैं कलर के साथ उन्होंने भेज दिया। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कारीगर को इंस्ट्रक्शन क्या दिया, हम ये जानना चाह रहे हैं। ये कह रहे भैया जब भी मंजा फंसा रहे हैं आजकल टिक नहीं रहा, टिक नहीं रहा, हाँ बस वही सुनना चाह रहे हैं, लगी नहीं रहा है जो फीलिंग आ रही है। जब नीचे की बना रहा था उनका सस्ता ही नहीं बनाया, भैया ने कहा कि रुको अब की ऐसा बनाते हैं कि अच्छे से अच्छों की रील कर जाएगी। तो बहुत मैंने काटा, बहुत ही सस्ते काटे हैं इनके मंजे से। अच्छा ये रील हम देख रहे हैं, ये थोड़ी रील उन्होंने बारीक बनाई है इस बार, हालांकि उनके मंजे थोड़े मोटे होते हैं। नहीं मीडियम ही डबल, मीडियम डर रहे, पर ये थोड़ी महीन दिख रही है हमें, दूर के लिए है फंसाने के लिए। जब आजकल कुशाग्र भाई जैसे लड़के आ गए छोटे, जब बड़ी जोर से हीच देते हैं, हीच देते हैं तो ये जब 700-800 का हीच रहे होते तो फिर ये होता कि आओ भैया 1000 रुपये पार आओ नीचे वहाँ पे। हाँ कई प्लेयर होते हैं जब आप कम रेंज में कट जाते हो तो कहते हैं, आजकल हम लोग साथ ऐसा हो रहा है, आजकल हम 3-4 दिन से लड़ रहा है, 800-1000 रेंज में लोग खींच काट देते हैं, वो बंदा 2000 पे लगा देता है, कहता है वहाँ आओ, और वहाँ वो 3200-3300 रुपये का मांझा यूज़ करता है, तो वहाँ ये मांझा जवाब देगा उसको। कर ये हाँ ये मांझा वहाँ जवाब देगा, तो कटती है तो पता चलता है सत्य। हाँ बस यही है, दो चरखियाँ बन के आई हैं, एक ये है और एक यहाँ कहाँ, ये देखिए दोनों उन्होंने भेज दिया फोटो की, दोनों पर्पल है, दोनों बन के आई हैं स्पेशल। वैसे किसी को चाहिए तो मनीष भैया के थ्रू ऑर्डर दे के उनसे स्पेशल बनवा सकता है। हाँ भाई उसका 100-150 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन अच्छा चीज़ रहती है। अच्छा हाँ ये चीज़ अच्छा हुआ आपने बता दी कि अगर देखिए आप एक्सटर्नल बनवाएंगे कुछ मसाला पड़ेगा, थोड़ी मेहनत पड़ेगी, कारीगर को कुछ एडवांस देना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो मेहनत करता है भाई। हाँ, कोई भी हो भाई, हम ही हैं, अगर हमें कहेंगे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम उस चीज़ में मेहनत थोड़ा करेंगे बस वही, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना ये महीन बनाई है, उनकी थोड़ी सी मीडियम होती है, बस ज़्यादा नहीं 150 रुपये महंगा मुझे पड़ा, लेकिन चीज वो पहले से लाख गुना अच्छी। हाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको पूरा मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि रील खुद ब खुद आपको बता रही है, रील बता रही है इसलिए हमको, आपने नहीं बताया, आपसे पहले हमने बताया महीन डोर है, वो महीन बनाते नहीं इतनी, लेकिन बनी है डोर ये। तो ये थे हमारे देव भाई, ये देखिए अपनी दो चरखियाँ स्पेशल रिक्वेस्ट पर जो बनी थी इनकी, वो मनीष भाई से लेने आए इतनी धूप में। और वाकई मांझा अगर आपको भी स्पेशल रिक्वेस्ट से बनाना है तो आप मनीष भाई से बोल सकते हैं, 150-200 रुपये चार्जेस ऊपर आएंगे, पर मंझा आपको अपने मन मुताबिक मिलेगा और रिजल्ट भी मिलेगा जैसा आप चाहते हैं दूर की रेंज में। देखिए डेट भी देखिए अलग अलग है, हाँ, 6 तारीख को एक बना है, हाँ, और एक 7 तारीख दोनों दिन अलग अलग, एक एक चरखी मेरी अलग बनी है, एक साथ नहीं बनी। हाँ ये देखिए आप इसको भी मेंशन दिखा देता हूँ, एक 6 तारीख को बना है, एक देखिए 7 तारीख को बना है, सेम डेट पे नहीं बना क्योंकि बन भी नहीं पाता है, और जब आप स्पेशल रिक्वेस्ट करते हो ना तो उसे और समय दिया जाता है, और जिस चीज़ में समय लगता है उसमें रिजल्ट मिलता है, ये आप सब जानते हो। तो देव भाई ये आपने मांझा लीजिए और जाके फील्ड में धमाका कर दीजिए, ठीक है देव भाई? ठीक है मेरा भाई, धन्यवाद देव भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप
दोस्तों ये देखिए एक और मांझा है, ये देखिए वीर योद्धा, आपने पहले भी काफ़ी वीडियो में मेरे देखा होगा, पर ये मांझा अभी हमारे प्लेयर लेके लड़ा रहे हैं दूर की रेंज में, काफ़ी अच्छा फंस के लड़ रहा है 1000+ रेंज में, तो इस मांझे को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी प्यारा मांझा है। और ये देखिए सुपर डेंजरस जुबैर बेग, ये देखिए तेजस जिनका आता है जुबैर बेग जी का, उनका ये उससे भी ऊपर है जो 2600 का आता था, उससे ऊपर का, ये क्या रेंज पड़ेगा मनीष भैया? 3200 रुपये। ये देखिए तेजस से भी ऊपर का देखिए आ गया है मात्र 3200 रुपये, और उनका 2600 का मांझा मैंने लड़ा है, काफ़ी शानदार लड़ता है। तो एक मांझा इस बार खोल के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि पहली बार दिखा रहा हूँ, एक बार दिखा देते हैं कैसा है। ये मांझे भी देखिए उन्होंने बहुत बारीक बनाया है, ये देखिए ये मांझे भी काफ़ी बारीक बना है, और वाकई में मांझे बनाया 3200 रुपये की इसकी अगर कॉस्ट है तो ये कॉस्ट आपकी वसूल हो जाएगी अगर आप फंसा के या खींच के लड़ाने वाले प्लेयर। वाकई में मज़ा आ रहा है मांझा छू के, बहुत बारीक पैटर्न बनाया है, और जैसा कि मैं सारे महंगे मांझे देखता हूँ 3000-2800 से ऊपर के, उन सारे मांझों में एक चीज़ मैंने कॉमन जो है एक नोटिस की है कि सारे मांझे थोड़ी बारीक पैटर्न पे हो जाते हैं, मोटे मांझे खींचतान के लिए अच्छे होते हैं पर लंबी रेंज के लिए महीन मांझा। ये बहुत अच्छा बनाया मांझा 3200 रुपये के रेंज में, अगर आपने जुबैर बेग का तेजस लड़ाया है तो उससे अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये इसको लगा दीजिए, ये सुपर टाइगर, अच्छा यूसुफ अहमद का एक और आया सुपर टाइगर, हाँ ये देखिए मेरे पास आ गया एक और मांझा, ये देखिए नया यूसुफ अहमद जी का सुपर टाइगर। अब तक आपने टाइगर नंबर 1 लड़ाया होगा, यूसुफ अहमद का 1800 वाला ब्लॉक लड़ाया होगा, तो मनीष भाई ये क्या रेंज पड़ने वाला है? ये 2900 का दोस्तों, ये देखिए 2400 के बाद 1800-2400, अब ये देखिए आगे एक और टॉप ब्लॉक 2900 का, और ये भी देखिए लटाई कितनी प्यारी बनाई है इन्होंने, ये देखिए सब कारीगर मांझों पर तो काम कर ही रहे हैं, हालाँकि लटाई पर भी सब कारीगर काम कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए आगे यूसुफ अहमद जी का सुपर टाइगर, और ये क्या जबरदार लगाई गई है, ओहो धार बड़ी तगड़ी लगाई गई है, बहुत प्यारी धार लगाई गई है। देव भाई धार इसकी टेस्ट एक बार आप करना चाहेंगे? 2900 रुपये का मांझा, ये देखिए यूसुफ अहमद कभी अगर आपने लड़ाया हो, 2400 लगाया टाइगर नंबर 1 टाइगर नंबर, ये 2900 का है सुपर टाइगर, धार कुछ एक्सट्रीम लगाई गई है, काम किया गया है, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि ब्लॉक बन गया मंजे में जमाव भी है, जमाव भी है, वही कह रहा हूँ कि लोग ब्लॉक ऊपर निकालते हैं तो उस पर मेहनत करते हैं, यह बात है, हर आदमी नहीं समझ पाता लेकिन मंजे छूने के बाद समझ में आ रहा है कि मंजे काम किया गया है। ये देखिए तो मतलब आपको आज की वीडियो में काफ़ी ऐसे मांझे मिलने वाले हैं खींच के लिए फंसाने के लिए, मतलब भरपूर रेंज आपको मिलेगी, जैसे भी आप प्लेयर हो आपको आपके मन मुताबिक मांझा मिलेगा। दोस्तों ये देखिए 8400 पे आ गया, ये देखिए बरेली ड्रैगन का, ये देखिए 8400 पे बरेली ड्रैगन के भी मांझे आ गए हैं हैमर पे, और ये देखिए कलर देखिए, ये देखिए इसका मैं आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल, ये देखिए आर्टिकल 8400, और ये देखिए बरेली ड्रैगन। इससे पहले मैंने आपको बरेली लॉयन पे दिखाया था जिसकी कीमत करीब 2000 रुपये थी 6 रील की, इसकी कीमत आपको पड़ेगी मात्र 2400 रुपये। 2400 रुपये मात्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस पर जो काम किया गया है, हालांकि लड़कों की जो छत से लड़ाते हैं उनकी काफ़ी क्यूरी रहती है 8400 रुपये बनाइए पांडा पर बनाइए, तो अगर आप ये मांझा अगर ख़रीद लिया तो इसके बाद समझ लीजिए होता ना कि डेडलाइन, इसके बाद कुछ नहीं, तो समझ लीजिए इसके बाद कुछ नहीं, इससे मजबूत, इससे धारदार और इससे चिकना आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सारे चीज़ों का सोल्यूशन आपको यहीं से मिलेगा अगर आप छत के प्लेयर हो, ये ग्राउंड तो आप इसे लड़ा नहीं सकते। और ये देखिए ब्लैक में अवेलेबल है, और ये देखिए पर, और ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था बरेली लॉइन पे भी आता है 8400, ये देखिए ये आपको पड़ेगा 2000 रुपये का, और इसका मैं आपको कलर अगर दिखा देता हूँ, ये देखिए कलर देखिए कितना शानदार है, खिलता हुआ मर्जेंटा है जिसे कह सकती हूँ, देखिए कलर इसमें आपको काफ़ी मिल जाएंगे, और ये देखिए काफ़ी मजबूत मांझा होता है चाइना कटर इसे कह सकते हैं आप,
और दोस्तों देख सकते हैं ये सारे कार्टून, ये देखिए बाहर जा रहे हैं, और ये देखिए पूरा स्टॉक, ये देखिए कैसे भरा हुआ है पूरी शॉप में। और ये देखिए पूरा स्टॉक देखिए कार्टून से भरा पड़ा है। और ये देखिए, ये देखिए स्टॉक की कमी दोस्तों नहीं आने वाली। ये देखिए पूरा, ये देखिए इजाज़ बैग 6L84 से भरा हुआ है। और ये देखिए फाइंड द फाइटर भी मिल जाएगा, नसीम सलीम का 7 स्टार, बरेली लॉयन, ये देखिए सारे मांझे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और देखिए एक मांझा और मेरे सामने देखिए खुला है, ये देखिए तो दोस्तों जैसे मैंने अभी इस मांझे का रिव्यू किया था सुपर टाइगर, और इसकी बात ही हम कर रहे थे, और ये देखिए भैया हमारे आए हैं, और ये देखिए मांझा तुरंत सेल हो गया। इसीलिए मनीष भाई के शॉप पे जब भी हम वीडियोस बनाते हैं, हम आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि जिस दिन वीडियो आप देखो उसके नेक्स्ट दिन या सेम डे अगर आप चले जाओ तो मांझा आपको मिल जाता है। और ये देखिए मैंने 2 मिनट भी नहीं हुआ, ये मांझा देखिए तुरंत सेल आउट हो गया। एक है ये इजाज बैग, ये देखिए बरेली ड्रैगन, और ये देखिए सुपर टाइगर, ये दोनों सेल आउट हो गया। और ये आज शाम तक देखिए लड़ भी जाएगा, हाँ फंसा कर लड़ाते हैं। हालांकि उस दिन हम इनकी लड़ाई नहीं देख पाए थे, हवा नहीं थी उस दिन, हवा नहीं थी, और लेकिन पतंग अच्छी लड़ाते हैं ये सब जानते हैं। अच्छा भैया पतंग लड़ाइए, एंजॉय करिए। बैग है क्या कोई भैया? दोस्तों ये देखिए इद्रिस अहमद जी का आईटी, ये देखिए आईटी ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा लड़ता है, 2000 से 2200 की रेंज में ही आता है। और ये देखिए ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा मनीष भाई की शॉप पे। दोस्तों 12 के बाद अब आ रही है 6 की बारी। दोस्तों अगर आपको 6 रेंज में भी मांझा चाहिए, अगर आपका मांझे का बजट कम है और आप सिर्फ ट्रायल के लिए लेना चाहते हो, तो आप इस तरीके से भी 6 रेंज के मांझे भी ले सकते हो, जो कि काफ़ी देखिए आप देख सकते हो पूरी रैक भरी हुई मनीष भाई के यहाँ भरमार है, तो आप इसे भी परचेज़ कर सकते हो सिर्फ ट्रायल के लिए। दोस्तों हमारे साथ है विनोद भाई, विनोद जी का ये देखिए चौबारा, और विनोद जी हमारे साथ खुद स्वयं खड़े हैं। तो विनोद भैया ये आप चौबारा जैसे कि बनाते हैं, तो आपका मांझा ये मनीष भैया से ही मिल जाएगा आसानी से? तो आपके मांझे में जैसे चौबारा सब बोलते हैं, तो चौबारा लड़ाने का क्या पैटर्न है? से कहते हैं चौबारा लड़ाने का तरीका अलग होता है, मैंने कई लोग से सुना है। तरीका तो अलग होता है, जैसे बहुत ज़्यादा लंगरदार है वो छोटा लड़ेगा। अच्छा, अगर बारीक में लड़ाएंगे तो दूर भी लड़ेगा। अच्छा, तो जैसे ये आपकी डोर है, ये तो मीडियम है, मीडियम ढर्रे की डोर है, तो ये कौन सी बल लड़ेगी, पास की लड़ेगी दूर की? 700-800 पे बढ़िया लड़ेगी। और उसको अगर ऊपर रेंज पे जाते हैं फंसा के, तो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब 1000 के अंदर ही बढ़िया काम करते कुल मिला के। तो दोस्तों अगर 1000 गज के अंदर आपकी रेंज है, इसको आप जैसे चाहे वैसे लड़ा सकते हैं, विनोद भी ये बता रहे हैं। और खींच के लिए ज़्यादा बढ़िया पड़ती है चौबारा की फंसा के, ये बता दीजिए बस। बारीक लड़ाएंगे तो फंसा के ज़्यादा तो बारीक लड़ेगी, ये मीडियम पैटर्न की तो सब खींच के लड़ाएं। तो दोस्तों ये मीडियम पैटर्न की डोर है, इससे अगर आप खींच के लड़ाते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, जैसा कि विनोद भाई बता रहे हैं। तो इसमें और भी कलर तो कोई भी बन जाएगा जैसा कि आप चाहेंगे। तो ये मांझा अगर चाहिए ओरिजिनल, तो आप मनीष भाई से संपर्क करें कुल मिला के। दोस्तों अगर ये मांझा को चाहिए विनोद भाई का, तो मनीष भाई से संपर्क करें। और ये देखिए चौबारा मेरे हाथ में, काफ़ी अच्छी डोर बनाई गई है, और अभी ताज़ी बनी है क्या ये? कल की है, मतलब ताज़ी है, कल का मतलब यहाँ ताज़ी, यहाँ तो महीने भर के भी ताज़ी है। अच्छा, ये मांझा देव भाई पास भी आता है। और ये देखिए देव भाई हमारे खड़े हैं, मनीष भैया और देव भाई का मंजा चाहिए तो मेरे पास भी मिल जाएगा। मिल जाएगा, तो जो लोग देव भाई को जानते हैं देव भाई संपर्क कर लें, बाकी मनीष भैया को तो पूरा इलाहाबाद जानता है, तो उनसे भी ले सकते हैं आप, यहाँ ओरिजिनल की गारंटी है। मनीष भैया इतनी भीड़ में ये मांझा हमें सबसे अलग मिला। ये भैया अभी थोड़ा सा इलाहाबाद में ये कम बिकता है। अच्छा, ये मांझा है 9 तार का। 9 तार का, 9 तार का। अच्छा, ये अभी कम बिकता है इलाहाबाद में, लेकिन हाँ जो है छोटा पेज जो है जो लड़ाने के लिए बहुत अच्छा है। ये मांझे से चाइनीज मांझा तुरंत कट जाता है, तुरंत कट जाता है, चाइना कटर कह सकते हैं कुल मिला के। इसे बंद करने के लिए ये मांझा है। अच्छा, 9 तार प्योर कॉटन है। प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन, ये देखिए प्योर कॉटन है, और चाइना कटर आ गया कॉटन में, और बहुत जब हाँ वही देख रहे, टेम्पर देख रहे हैं, जिस हिसाब से बल्ब फेंक रहा है, सद्दी क्या फेंकती होगी जिस हिसाब से ये मांझा फेंक रहा है, वाह बहुत, हाँ बहुत खतरनाक डोर बनाएगी। ये देखिए इसके छल्ले देखिए, इस मांझे की ये देखिए, देखिए इस मांझे के छल्ले देखिए, ये जल्दी मुर्राएगा भी नहीं मांझा, जैसे मंझे हमारे कॉटन के होते हैं ना पतले वाले, मुर्रा जाते हैं। भाई का है,
अच्छा साजिद भाई का है, साजिद भाई का है। और ये बन गया भैया सारा हमारा पंजाब गुजरात ये सब ज्यादा जाता है। पंजाब गुजरात, पंजाब में हालांकि कोई बड़ी बड़ी तौक लड़ती है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। अच्छा अच्छा, वहाँ बड़ी पतंगे भी उड़ती है, हवा भी तेज चलती है। यहाँ पे आप जो भी पंजा चाहिए और इंडिया आप कॉन्टेक्ट करिए, सब जगह डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, और ये पांच रील का है मेरे ख्याल से, पांच रील का नौ तार का। देखिए यहाँ पे लिखा भी है नौ तार, ये देखिए नौ तार लिखा है। और ये देखिए लेबर, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, पांडा का। ये देखिए बहुत जबर डोर बनाई गई है। जो लोग भी अब तक चाइना से परेशान थे, अब उनको सोल्यूशन मिल गया। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक किफ़ायती रेंज में आपको एक बहुत धमाकेदार डोर मिलने वाली है। ये देखिए जो अभी तक बहुत महंगा बिकता था। अच्छा टेप, ये देखिए पतंग लड़ाते समय हाथ हमारे बहुत कटते हैं सारे प्लेयरों के। और ये देखिए टेप की लेंथ देखिए, पहली बार में आपको ये मॉस्किटो कॉइल लगेगा, पर हालांकि ये टेप है। और देखिए कलर कितना फैंसी लगाया है। अब टेप में कलरों का भी बड़ा खेल हो गया है। और ये देखिए ये क्या पड़ने वाला है रेट वैसे कुशाग भाई? 130 रुपये का। ये देखिए 130 रुपये का है, एक बार लीजिए। 250 रुपये रेट है इसका। 250 रुपये ना, एक समय था, एक समय था 250-225 बिकता था, लेकिन अब हमारी दुकान से बिकेगा 130 रुपये। 130 रुपये का मात्र। ये देखिए एक बार खरीद लीजिए, साल भर की फुर्सत, काटते रहिए हाथ जितना काटना है। हालांकि जब इसको आप लगा के लड़ाएंगे तो हाथ कटने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, तो इसी तरीके से प्यार देने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करिएगा, और जैसे ही आप ये वीडियो देखिएगा तुरंत क्वेरी के लिए मनीष भाई या कुशागर भाई कॉल करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया मांझा तुरंत सेल आउट हो जाता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।